हम आपको कपिल शर्मा की सफलता की कहानी बताएंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के बिल्कुल नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन और उसके बाद में आने वाली घंटी को दबाकर हमारा चैनल जल्दी सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल फ्री है, इससे आपको आने वाले महत्वपूर्ण खबरें और आपके लिए जरूरी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपके YouTube पर मिलती रहेंगे। उससे आपको किसी भी जानकारी के लिए इधर उधर से नहीं ढूंढनी पड़ेगी और आपको कपिल शर्मा की शादी खबरों की अपडेट मिलती रहेगी। इसके लिए आपको बस सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना है। कपिल शर्मा ने अपनी कॉमेडी का एक ऐसा जादू फैलाया है जिससे उन्हें आज के छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक परिवार का हर सदस्य जानता है। दोस्तों, कॉमेडी एक चीज ही ऐसी है जिसका सहारा कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी के तनावों को कम करने के लिए लेता है, और हंसना और खुश रहना किसे पसंद नहीं। कपिल शर्मा ने आज जो भी पहचान इस विश्व में बनाई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष भी छुपा है। आज मैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में बताऊंगा। 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में कपिल का जन्म हुआ। उनके पिता जितेंद्र शर्मा पंजाब के पुलिस कांस्टेबल थे। कपिल बचपन में ही बहुत शरारती हुआ करते थे और वह किसी की भी मिमिक्री करन लगते थे। वैसे कपिल को सिंगिंग भी बहुत पसंद थी। जब वह सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे थे तभी पता चला कि उनके पिता को 3rd स्टेज का कैंसर है, जिससे मानो उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। घर के सारे पैसे उनके पिता के इलाज में खर्च हो चुके थे। एक ऐसा भी समय आया कि उनके पास स्कूल में फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस कठिनाई भरे समय में उन्होंने हार नहीं मानी और खुद एक पीसीओ में काम करने लगे था कि वह अपने खुद के खर्चे को संभाल सकें। बाद में चलकर ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उसी बीच उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। उनके पिता की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय कपिल और उनके परिवार पर यह बहुत बड़ा संकट था। घर में कोई भी इनकम का सोर्स नहीं बचा था। बचे खुचे पैसे भी इलाज में खत्म हो चुके थे। पिता के पुलिस में काम करने के कारण परिवार का कोई भी सदस्य उनकी जगह नौकरी कर सकता था। कपिल की मां चाहती थी कि कपिल उनकी जगह ले ले, लेकिन कपिल अपने पैशन का गला नहीं घोंटना चाहते थे और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके भाई ने वह नौकरी कर ली। कॉलेज में पढ़ाई के समय वह अपने टीचर्स की मिमिक्री किया करते थे, जिससे उनका पूरा कॉलेज उनकी एक्टिंग और कॉमेडी का दीवाना था। अपने प्रति लोगों की प्रशंसा सुनक रॉयस फील्ड में उन्होंने अपना करियर बनाने का सोचा। उसके बाद उन दिनों दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए ऑडिशन चल रहा था। उन्होंने जाकर उस शो के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्त, तो हम में से बहुत से लोग अपनी पहली नाकामयाबी में ही हार मानकर अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन कपिल ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने बहुत मेहनत की और उसी शो के लिए अगले साल सिलेक्ट किए गए। साथ ही फाइनल भी जीता, जिससे उन्हें 10 लाख का इनाम मिला और उन्होंने उस पैसों से अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की। उसके बाद उन्होंने कॉमेडी सर्कस में काम किया। उनकी कॉमेडी बाकी कॉमेडियन से बिल्कुल अलग थी, जिससे उन ने लोगों में अपना अलग पहचान बनाया। बेशक अब उनकी जिंदगी पटरी पर आ गई थी, लेकिन अभी भी वह संतुष्ट नहीं थे और अपनी लगन और मेहनत से अपना 100% दिए जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। अपना सब कुछ लगाकर उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसका नाम उन्होंने K9 प्रोडक्शन हाउस रखा। उसके बाद उन्होंने कलर्स वालों के साथ मिलकर अपना शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो किया। बस तभी से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज लोग उनकी जबरदस्त कॉमेडी के लिए उन्हें कॉमेडियन किंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि कभी भी कठिनाइयों से मत डरिए, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए कठिनाई का भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी पूरे देश को हंसाने वाले कपिल शर्मा की कहानी जान सक और कपिल शर्मा को दोबारा अपने पुराने साथियों के साथ शो शुरू करना चाहिए या नहीं कमेंट में जरूर लिखें। और अब वीडियो के अंदर ही स्क्रीन के ऊपर लाइट कॉर्नर में NBN के सकल पर क्लिक करके भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना चैनल NBN सब्सक्राइब करने के लिए जब आप स्क्रीन पर दिखाई गए NBN के सकल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब होगा, पर घंटी जरूर दबाए और
दिखाई गए अन्य ये तीन वीडियो में कोई भी देखे क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी और आपके काम की है। प्लीज क्लिक और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।